छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम अजीत जोगी का निधन हो गया है। अजीत जोगी को एक बार फिर से आज कार्डियक अरेस्ट आया था, जिसके बाद उनकी हालत बेहद गंभीर बताई जा रही थी। बता दें कि गिरते स्वास्थ्य को देखते हुए इलाज कर रहे डॉक्टरों की टीम ने अजीत जोगी को एक विशेष इंजेक्शन लगाया था, जिसके बाद उनकी हालत में स्थिरता आई थी, लेकिन आज दोपहर फिर से कार्डियक अरेस्ट आया, जिसके बाद उनका निधन हो गया। आपको बता दें कि कई दिनों से अस्पताल में भर्ती छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री अजीत जोगी को 27 मई की रात भी कार्डियक अरेस्ट आने की बात सामने आई थी, जिसके बाद उनकी हालत बेहद गंभीर बताई जा रही थी। वहीं अजीत जोगी की मौत के बाद उनके बेटे अमित जोगी ने ट्वीट किया। आपको बता दें कि अजीत जोगी 9 मई से ही श्री नारायणा अस्पताल में भर्ती थे। उनकी तबीयत में कोई सुधार नहीं देखा जा रहा था। श्री नारायणा अस्पताल की ओर से लगातार उनकी तबीयत को लेकर मेडिकल बुलेटिन भी जारी किया जा रहा था। न्यूज डेस्क।